गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जीके में लेसन 28 करेंगे, आवर ब्यूटीफुल अर्थ, हमारी प्यारी धरती या हमारी सुंदर पृथ्वी। ठीक है, आवर अर्थ इज वेरी ब्यूटीफुल, हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, बहुत सुंदर है। वी मस्ट सेव इट, और हमें इसको बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, हमें पृथ्वी को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से रखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर रीड कीजिए। गिवन ब्लो आर द पिक्चर्स शोइंग सम एक्शन, जो यहाँ पर पिक्चर्स हैं यहाँ पर कुछ एक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन दिखा रहे हैं, कोई प्लांटिंग, कोई वाटरिंग कर रहा है। ठीक है, देखिए, राइट सी फॉर करेक्ट एंड डब्ल्यू फॉर रॉन्ग वंस, यानी कि जो सही है उस पर हमने सी लिखना है और जो गलत कर रहा है उस पर हमने डब्ल्यू लिखना है। ठीक है, रॉन्ग है डब्ल्यू फॉर रॉन्ग और सी फॉर करेक्ट। ओके, देखिए फर्स्ट देखिए, वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में वाटर देना अच्छी बात है ना, तो सी लिखिए। एंड प्लांटिंग, पौधा लगा रहा है। ठीक है, ये एक बॉय है, एक पौधा लगा रहा है ना, तो ये अच्छी बात है ना, करेक्ट, सी लिखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए थर्ड में, इसने एक बॉय है, इसने क्या करा, एक लॉलीपॉप निकाली। ठीक है, उसको लिक कर रहा है और जो उसका रैपर है उसको क्या करा, रोड पर फेंक दिया है ना, तो लिटरिंग, ठीक है, कूड़ा फैलाना अच्छी बात है कि नहीं है, नहीं है ना, रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ देखिए, स्क्राइबलिंग ऑन द वॉल्स, ठीक है, तो ये वॉल्स पे क्या कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं ना, रगड़ रहे हैं वॉल्स, गंदा कर रहे हैं वॉल्स, जो दीवार है उसको गंदा कर रहे हैं, तो क्या अच्छी बात है, नहीं, इस पर डब्ल्यू लगाएंगे, रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग हैबिट है। फिफ्थ देखिए, कलेक्टिंग गार्बेज फ्रॉम द पार्क और अदर पब्लिक प्लेसेस, यानी कि ये जो पार्क में से ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, कूड़ा उठा रहा है ना, और पब्लिक प्लेस से भी कूड़ा उठा रहा है, जो लोगों ने जगह जगह पर फैलाया रहता है, तो ये सही बात है या गलत है, तो ये सही है, करेक्ट, सी लिखिए। ओके, सिक्स देखिए, कटिंग डाउन द ट्रीज, क्या ट्रीज को काटना सही है, करेक्ट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है, ट्रीज को नहीं काटेंगे। ठीक है, ट्रीज काटना गलत। ब्रस्टिंग क्रैकर्स, यानी कि पटाखे फोड़ना, करेक्ट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है। ठीक है, अगर हम पटाखे फोड़ेंगे, क्रैकर्स को फोड़ेंगे, तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन, तो हमारी जो एयर है उसको वह पॉल्यूटेड कर देती है ना, पॉल्यूटेड कर देती है ना, फिर उससे हमें डिजीज होते हैं। एट देखिए, स्पीटिंग ऑन द रोड, यानी कि क्या कर रहा है, थूक रहा है रोड पे ना, तो रोड पे थूकना बैड मैनर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रॉन्ग लिखना है। ठीक है, और यहाँ भी रॉन्ग, ठीक है, यहाँ करेक्ट, यहाँ रॉन्ग। ठीक है, समझ में आया सबको, चलिए आप सब भी ऐसे करेंगे ना, गुड वाली बात सीखेंगे, ठीक है, रॉन्ग वाली नहीं सीखेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग में भी करना है अपने, ठीक है, ड्राइंग में ही लैंप है। ठीक है, आप सबने इसको क्या करना है, कलर द लैंप अकॉर्डिंग टू द पैटर्न शोन इन द स्मॉल पिक्चर्स, उसको क्या, जो ये स्मॉल पिक्चर्स में दिए गए ना, ऐसे आपको इसमें कलर करना है। ओके, एकदम आउट नहीं करना है ऐसे ऐसे ना,
ऐसे कलर करना है, ठीक है, वो भी अलग अलग कलर से करना है। ओके, ऐसे जैसे, ठीक है, पर्पल, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको आउट नहीं करना लाइन से, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको आपने क्या करना है, इसको पैटर्न्स में कलर करने हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे किया है ना स्मॉल पिक्चर्स में, यहाँ पे दिए गए ना पैटर्न्स कैसे करने हैं, ऐसे आपको यहाँ पर फिल करना है अपनी बुक्स में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।